वेस्ट इंडियन किचन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। वह इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले की बिरयानी, यानी ये सफेद वाले चने होते हैं, काबली चने, इसकी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिरयानी बनाना की रेसिपी। इसको बनाने से पहले अगर हमारा आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं मटर छोला बिरयानी बनाना। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं छोलों की बिरयानी। हमने ये छोले लिए थे 250 ग्राम और हमने इसको 4 से 5 घंटे इसको पानी में अच्छी तरीके से भिगो दिया था और इसको हमने उबाल लिया है। और देखिए ये गल भी चुके हैं इस तरीके से। और हमने लिए हैं ये चावल 250 ग्राम ही, 300 ग्राम ये चावल है, बासमती चावल है। और इसको भी हमने भिगो दिया है 10-15 मिनट के लिए। और इसमें डालने के लिए लिए हैं हमने एक प्याज और कुछ लिए हैं ये हमने मसाले। लौंग है, इसमें काली मिर्च है, जीरा है, एक ये बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, एक ये स्टार फूल जिसको बादियान का फूल भी कहते हैं, और ये है दालचीनी, और ये हमने ली है जायफल और जावित्री। इसको हम इसका पाउडर बना लेंगे। और हमने लिए हैं ये कुछ, हमने हरी मिर्च 10-12 हमने हरी मिर्च काट ली हैं, और एक हमने बड़ा टमाटर की स्लाइस कर लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा कलर भी हमने इसमें लिया है, अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन का दोनों पेस्ट, एक एक चम्मच हम डाल देंगे इसमें से। देखिए हम इसमें ये रिफाइंड डाल देते हैं। और इसी में डाल देते हैं हम ये मसाले। जीरा है, काली मिर्च, लौंग है, दालचीनी, इसका हम डाल लेते हैं। और ये हमने अभी इसका पाउडर बनाने के लिए डाल देंगे। हम डालते हैं ये प्याज, हमने इसमें से ये प्याज निकाल ली है, ये ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसमें डालते हैं एक चम्मच अदरक का पेस्ट, और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसको भून लेते हैं। चने, हमने चनों में थोड़ा नमक डाल दिया था उबालते टाइम। और इसी में डाल देते हैं ये टमाटर। लेते
गया हमारे, ये अच्छे से भून चुके हैं। हम डालते हैं इसमें जो हम चावल बासमती हमने चावल बनाए हैं भिगोए थे वो हम इसमें अब डाल देते हैं। इसमें ये पानी डाल देते हैं, एक कप हमने डाल दिया है बासमती चावल में पानी थोड़ा कम ही डालता है, लेकिन मैं दो कप डाल चुकी हूँ। अभी मुझे और थोड़ा कम इसमें दिख रहा है, आधा कप मैं और इसमें डाल देती हूँ। आधे कप में भी हमने रोक लिया है। इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। हमने छोलों में भी नमक डाला था चने उबालते टाइम, आप इस बात का ध्यान रखें कि चनों में भी नमक है। इसको अच्छी तरीके से चलाकर रख देते हैं और इसको ढकना लगा देते हैं। देखिए अब इसमें ये जो हमने जायफल जावित्री को पीस कर हमने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें और अच्छी खुशबू आए। इसको ढक देते हैं। देखिए अब हम देखते हैं चावल को, देखिए हमारे चावल भी पक चुके हैं। इसमें हम डालते हैं ये थोड़ा सा आम का अचार। अब हम इसमें डालते हैं ये होममेड आम का अचार। इसकी रेसिपी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं उस पर। इसमें हम थोड़ा सा ये हरी मिर्च का अचार भी डाल देते हैं, इसकी भी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम डालते हैं इसमें कलर। हमने इसमें पानी डालकर इसको घोल बना लिया है, बहुत थोड़ा सा कलर है। इसमें डालते हैं ये हमने जो प्याज ब्राउन की थी और उसको निकाल लिया था, फ्राई जो हमने कर ली थी उसको भी इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारी कितनी बढ़िया छोले बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, एक एक दाना खिला खिला बना है। देखिए कितना खिला खिला ये एक एक चावल बना हुआ है। चूल्हे को उसको हम दिखाते हैं आप डिश आउट कर। हम शुरू करते हैं चटनी बनाना। इतने हमारे चावल पक रहे हैं, इतने में हम चटनी भी बना लेते हैं। हमने लिया है कि मिक्सी जार, इसमें डालते हैं ये टमाटर, एक टमाटर ले लिया है हमने और कुछ हमने ये लहसुन के जवे ले लिए हैं। तीन से चार हमने ये लाल मिर्च सूखी वाली ली है। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार।
और इसमें डालते हैं ये जीरा, देखिए हमने चटनी को भी तैयार कर लिया है। चटनी भी तैयार हो चुकी है, अब चावल को देखते हैं। लीजिए गर्मा गर्म हमारी चने बिरयानी तैयार है, इसको छोला बिरयानी भी कह सकते हैं, चने वाली बिरयानी भी कह सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये चने की और छोले की या छोले की बिरयानी। आप इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ और दही के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है इसके साथ ये। देखने में भी बहुत ही बढ़िया है और खाने में बहुत ही टेस्टफुल है बनी है ये बिरयानी। आप भी इसी तरीके से हमारी बिरयानी बनाकर देखें।